वो हरियाणा ने कहा है चुनाव महाकुंभ में सभी प्रत्याशी अपने पूरे जोर शोर से लगे हैं। और इसी बीच नारनौल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही ममता शर्मा ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर बाजार से जुलूस निकाला है। इस दौरान ममता शर्मा ने अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए शहर के ऐतिहासिक आजाद चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद वहां पर मौजूद हजारों समर्थकों के साथ रोड शो कर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील की। आज हम सभी माताओं, भाइयों और बहनों ने बाजार में शक्ति प्रदर्शन किया और इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में मुझे सभी अपनी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों का पूरा पूरा समर्थन मिला। तो सबसे पहले तो मैं अपनी माताओं, बहनों और बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो आज जोश उन्होंने दिखाया, 19 तारीख तक अपने इसी जोश को बरकरार रखें और कैची के निशान पर बटन दबाकर अपनी विजय हासिल करें, जिससे कि आगे आने वाले 5 सालों में हमारी जो भी समस्याएं हैं उन सब का मिलकर हम निवारण कर सकें। मुझे आज की तरह 19 तारीख को भी उनका पूरा पूरा समर्थन मिलता है तो हम सबसे पहले अपने शहर में CCTV कैमरा लगवाएंगे, जिससे कि जो नारियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं और जो चैन स्नैचिंग से संबंधित जो अपराध होते हैं उन पर रोक लगाया जा सके। चोरी, डकैती, जो भी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे शहर में अपराध होते हैं उन पर रोक लगाया जा सके कि नारनौल शहर की जनता के साथ साथ आज मुझे पूरे 8 गांव के जनता का भी पूरा पूरा समर्थन मिला है। नारनौल शहर में जो प्रदूषण की समस्या है इनको हल करने के लिए पूरे नारनौल शहर में जो है पेड़ पौधे लगाकर उसको ग्रीन यानी कि पूरी तरह से हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे। शक्ति प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, व्यापारियों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। जो व्यापारियों को डराने के लिए रेड वगैरह की जाती वो ऐसी नाजायज रेड कोई नहीं होगी, किसी तरह की नहीं होगी। और व्यापारियों की हर ध्यान रखा जाएगा, कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा। नगर परिषद में जो कच्चे कर्मचारी हैं या ठेके के कर्मचारी उनको पक्का कराने की कोशिश करेंगे हम। शहर के अंदर जो सड़कें हैं उनको ठीक करेंगे। ये महावीर चौक से लेकर आज़ाद चौक तक सारा टूटा पड़ा है, इसको पहले तुरंत इसको शुरू करवा देंगे। और जो मिट्टी उड़ रही है इसको ठीक करेंगे और पीने के पानी का प्रबंध करेंगे। जनता का सहयोग तो आपने देखा ही है, हजारों की संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें आई हैं तो सहयोग में तो कोई कमी नहीं किसी भी प्रकार की। ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव को पूर्ण रूप से सफल बनाएंगी माताएं, बहनें, इस तरह का लग रहा है। देखो जनता से मेन समस्याएं पानी, बिजली, नल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और किसी की आजकल ID प्रॉपर्टी इधर उधर हो रही, ये ज़्यादा समस्याएँ।